साहित्य एवं कला की हर खबर सिरे आपके पास डायनामिक संवाद टीवी के साथ। ये भूमि है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये भूमि है जहां अवतार मेहर बाबा के चरण पड़े। ये भूमि है आचार्य रजनीश महर्षि महेश योगी की कृपा बरसी। ये भूमि है जहां आज भी वाणी गुंजित है व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, कवि डॉक्टर रामेश्वर शुक्ल अंचल, कथाकार ज्ञान रंजन, साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार सुमित्र, महाकवि आचार्य भगवत दुबे। आइए ऐसे ही शहर से हम शुरू कर रहे हैं डायनेमिक संवाद टीवी, जो साहित्य का नया चैनल है। आखिरी में केवल इतना की कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। चंचल, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं। यस। आपने पेंटिंग में क्या किया? आई हैव ड्रॉन बर्ड्स व्हिच आर इन द नेचर विद ऑयल पेस्टल कलर्स। क्या कौन सा प्राइस आपने? थर्ड। थर्ड प्राइस। कैसा लग रहा है आपको? क्या आगे क्या जाना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड बट माई पैशन इज टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। दीपाली, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आज आपने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्राइज आपने विन किया? कॉन्सोलेशन प्राइज। आपने क्या विन किया? आपने क्या ड्रॉ किया? आपने क्या ड्रॉ किया? ये जो आपने ड्रॉ किया है इसमें क्या क्या शो हो रहा है? नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी शो करने के लिए। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपने शो किया है। क्लास में है, किस स्टैंडर्ड में है? 8th में। आज आपने यहाँ कंपटीशन में क्या ड्रॉ किया है? मैंने यहाँ पर मिसयूज ऑफ मॉडर्न गैजेट्स का मैंने मॉडर्न गैजेट्स ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कौन सा प्राइज आपने विन किया है? कॉन्सोलेशन प्राइज मिल गया है। आगे आप क्या करना चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो? आई वॉन्ट टू बिकम अ CA एंड मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है और मैं एक आर्टिस्ट भी बनना चाहती हूँ। मतलब CA के साथ साथ आप अपना जो आर्ट का परफॉर्मेंस है इसको आप जारी रखोगे? यस। वेल, प्रिंसी जैन। खुशबू, आज आप इस कॉम्पिटिशन में आए और आपने पार्टिसिपेट किया, आपको कैसी फीलिंग्स, क्या फीलिंग थी? सर, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं चाहती थी कि सिर्फ मैं यहाँ पे अपना जो मेरा आर्ट है जो मैं चाहती हूँ बनाना वो मैं प्रेजेंट करूँ अपने ड्राइंग के थ्रू। और ट्रॉफी मेरा मोटिव नहीं था, मैं सिर्फ अपना शो करना चाहती थी कि मैं क्या दिखा सकती हूँ अपनी पेंटिंग के थ्रू। तो बस बहुत एक्साइटेड थी और बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। आज आपने पेंटिंग में क्या ड्रॉ किया? मैंने अपनी पेंटिंग में ट्रांसजेंडर इक्वालिटी के बारे में बताया है कि जैसे जो गेज होते हैं उनको हम एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं, हमारी सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, तो उसी के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई है जिसमें ये दोनों बॉयज़ हैं जो किस कर रहे हैं और इनको मतलब पब्लिक अगर देखती है तो उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं, तो उसी के लिए ये ड्राइंग बनाई है। क्या कौन सा प्राइज आपने विन किया? मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज मिला हुआ है 2nd रनर अप में। आज आपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जी, आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा सर, मजा भी आई। मजा भी आई। आज आपने इसमें क्या ड्रॉ किया? हमने इसमें इक्वालिटी फॉर ट्रांसजेंडर के बारे में ड्रॉ किया है। इसमें मैसेज ये दिया है कि जिसे ट्रांसजेंडर होंगे इनको भी इक्वलिटी देना चाहिए, जैसे समाज में इनकी ज़्यादा इज्जत नहीं होती है तो इनको भी मतलब इज्जत देना चाहिए इक्वलिटी में। कौन सा प्राइज आपने विन किया? फर्स्ट प्राइज। तो आप ओपन कैटेगरी में आपने आज अपना परफॉर्मेंस दिया। यस। तो आज आपका थीम क्या था? मेरा था माई चाइल्डहुड डेज के लिए, मुझे इस टॉपिक पे बनाना था, मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है इसके लिए। थैंक्स टू। यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने टाइम बाद एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, वो भी स्कूल लाइफ जी के निकले हैं तो दोबारा से मौका मिला है वही लाइफ को जीने का। थैंक यू। कौन सा प्राइज क्या विन किया आपने? मैंने अभी ओपन कैटेगरी ग्रुप से मैंने कॉन्सोलेशन फर्स्ट प्राइज गेन किया है। मेरा नाम ऋतु घोटिया है। मैं आराध्या तिवारी PM अपने दाएं संपत TV में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें कहानी, कविता और राजनीति के नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जाए रखेंगे संवाद।